अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं सिंपल चिकन। चिकन बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल ही सिंपल इसकी रेसिपी है। आए हम आपको बताते हैं। ये 1 kg चिकन है, हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चिकन को ऑयल में पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसका इसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं या इसका पानी होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा इसको भून लेने से। ऑयल के अंदर जब फ्राई कर लेंगे लाइट सा, तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा। जी गाइस, इसको हमने 4-5 मिनट भून ली है, ताकि चिकन थोड़ी सी, ये देखिए अपना कलर इसने चेंज किया है, लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सिर्फ ऑयल में हम लोगों ने ना इसको फ्राई किया है। 2 टमाटर डालेंगे हम इसमें, बड़े वाले। उसके बाद हमने 4 प्याज नॉर्मल साइज़ के, ये कट करके डाल दिए। हर चीज़ इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन को फ्राई कर लिया है तो प्याज भी खुद ब खुद गल जाएंगे टमाटर के पानी से। और अब हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे मैश करके। ये बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी और बहुत जल्दी बनती है। बस हमने सिर्फ चिकन को सिंपल ऑयल में फ्राई किए। अब इसके अंदर हम अपने मसाला जार डालेंगे। इसमें 1 चम्मच हमने पिसी हुई सूखी धनिया और ये 1/2 चम्मच हमने हल्दी, 1 चम्मच नमक, नमक भी हम अभी शामिल करेंगे, पहले नहीं डाला था हमने, और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पिसी हुई। बस ये चीज़ें सब ऐड करके हमने हल्का सा मसाला, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से चिकन के साथ। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि दही अपना पानी, टमाटर का पानी, दही और चिकन ये तैयार हो जाए। इसके अंदर हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल कर देंगे। जी ये देखें, हमने इसको दरमियानी आंच पर ढक के रखा था ताकि ये गल भी जाए चिकन। अब इसको थोड़ी सी देर है, देखें जी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें ऑयल माशाल्लाह से बाहर आ गया है। हम इसको हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो मैश हो जाए। अगर आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल, और इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी ग्रेवी भी रहे और चिकन भी साथ में भून जाए। अब हम इसमें हरा धनिया, सब्ज मिर्च और अदरक बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, और ये माशाल्लाह से हमारा चिकन बिल्कुल ही तैयार है। और इसके ऊपर थोड़ी 1 चम्मच हम लोग काली मिर्च पिसी हुई ये डाल देंगे और ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। और आप इसे सर्व कर दें।